दोस्तों बात करें तो एंड्रॉइड 14 के यूआई मार्केट में ऑलरेडी आ गए, एंड्रॉइड 15 भी मार्केट में आने वाला है, ऑलरेडी डेवलपर प्रीव्यू आउट है। लेकिन इस साल जो ज्यादातर जो फोन देखने को मिलेंगे ना, उनके अंदर आपको एंड्रॉइड 14 ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन बात करें इसमें से बेस्ट कौन सा है, यार सच बात तो यार हम बेस्ट बता ही नहीं सकते कि आखिर नंबर वन यूआई कौन सा है, नंबर टू कौन सा है, क्योंकि मार्केट में ना हर टाइप के लोग होते हैं। किसी की प्रेफरेंस यहाँ पे Xiaomi का MIUI होता है, किसी को Samsung का One UI अच्छा लगता है, किसी को Pixel का Stock Android अच्छा लगता है, अरे यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे जिन्हें Infinix का XOS भी पसंद है। तो यार सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन किसमें क्या अच्छा है क्या खराब है इसकी बात तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों से Xiaomi के HyperOS के बारे में, क्योंकि इस साल आपको एक नए टाइप का OS देखने को मिला है जिसे MIUI के बाद उन्होंने एक बड़ा इवोल्यूशन लिया। अब देखो यार HyperOS से उम्मीद ये थी कि ये सब कुछ बदल देगा, सारी चीजें बदल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली मैं अंदर की बात मैं बताता हूँ क्या अंदर की बात, ये कि उन्होंने जो टॉप लेयर जो रहते हैं, जो UI एलिमेंट्स होते हैं, वो MIUI के रखे, ताकि जो लोग अभी MIUI यूज कर रहे हैं उनका अगर पूरा UI अगर ये लोग बदल देंगे ना तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए HyperOS में उन्होंने क्या किया, अभी जो बॉटम लेयर होती है, जो नीचे का सामान होता है, वो उन्होंने बदला कि OS किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से चलेगा, इंटरनल चीजों को चेंज किया ताकि हर एक डिवाइस को अपडेट दिया जा सके और जो MIUI के साथ प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया जा सके। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कितनी प्रॉब्लम थी, अपडेट लेट आते थे, बगी अपडेट आते थे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, इकोसिस्टम के साथ प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए सिंप्लीफाई करके एक OS यहाँ पे बनाया गया जिसे हर जगह यहाँ पे चलाया जा सकता है। लेकिन एक दो सालों में उम्मीद करते कि इसके अंदर विजुअल रूप से आपको और ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। इसके साथ ही अभी HyperOS जो है वो आया अभी आपके एक्सपेंसिव फोन्स के अंदर। अभी देखने वाली बात है कि जो सस्ते फोन आएंगे उनके अंदर HyperOS किस तरीके से काम करता है, क्योंकि MIUI के बारे में बात ये थी कि जो महंगे Xiaomi के फोन होते उनमें MIUI बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जो बजट फोन होते थे वहां पे परफॉर्मेंस बेकार हो जाती थी। देखने वाली बात है इसके साथ क्या रहता है, और ब्लोटवेयर वाली सिचुएशन है काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ एप्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलती है। खैर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं बात करने वाला हूँ Samsung के One UI की, क्योंकि One UI मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और One UI के बारे में कुछ बातें तो ऐसी है कि Google के Pixel से लंबा अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ये बात कहनी पड़ेगी फ्लैगशिप फोन होते हैं वहां पर ही अवेलेबल है, जहाँ पे लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती है, जल्दी से जल्दी अपडेट्स को भी प्रॉमिस करता है, ऊपर से काफी सारे फीचर्स को भी लेकर आता है। और ये बात देखिए One UI की, यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, Samsung DeX देखने को मिलता है, लॉक सिक्योरिटी है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, और हाल ही में वो अपने बजट फोन्स को भी अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। हालांकि एक दो कमियां मेरे को One UI में लगती है। पहली कमी कि ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा है, काफी सारे लोग ऐसे जिन्हें ब्लोटवेयर से तब फर्क नहीं पड़ता लेकिन अभी भी ज्यादा है, और बजट फोन में कई बार उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, ना ही बजट फोन के अंदर अपने सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो One UI के साथ है, लेकिन मार्केट में One UI ऐसा है कि अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ ना तो यहाँ पे One UI का ही नंबर आता है, क्योंकि One UI काफी स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे निकालता है। और देखा जाए तो एंड्रॉइड 14 के साथ भी चीजें यहाँ पर बदली है और AI वाले जो फीचर्स है वो भी One UI में सबसे पहले आए। लेकिन अब इसके बाद बात करने वाले लोग यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड की, और यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक एंड्रॉइड नाम की चीज होना, क्योंकि लिटरली आज के समय में स्टॉक एंड्रॉइड किसी भी फोन में नहीं आता। अगर बात करते हैं जो गूगल के पिक्सल फोन होते हैं उनके अंदर जो UI होता है उसे हम पिक्सल UI कहते हैं, जो कि काफी एडवांस रहता है, काफी ज्यादा सीमलेस रहता है, सिंपल रहता है और बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक जो UI होता है वो है। ये काफी सारे लोगों को पसंद आता है, इसके अंदर एप्स बहुत सिलेक्शन कम रहता है, ब्लोटवेयर्स बिल्कुल ही ना के बराबर रहते हैं और बहुत ही ज्यादा क्लीन प्लेन UI रहता है। इसकी खास बात है कि AI के फीचर है, कैमरा जबरदस्त है पिक्सल फोन्स के अंदर, प्लस यहाँ पर आपको अपडेट सबसे पहले मिलेंगे और हर महीने सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट है। ये चीजें यहाँ पे गूगल के पिक्सल को काफी एडवांस बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, पिक्सल UI हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे जिनको फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एप्स चाहिए, कई सारे लोग को ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशन के फीचर चाहिए और पावर यूजर को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। क्योंकि काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि पिक्सल का फोन यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं अरे बहुत ही ज्यादा बेसिक में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर स्विच हो जाते हैं। देखो कहने की बात है कि कोई भी UI परफेक्ट नहीं होता, सबके प्रोज और कॉन्स होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, लेकिन आप पिक्सल UI ने भी अपना एक अलग ही फैन बेस यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। और सेम कहानी नथिंग कंपनी के Nothing OS के साथ है। Nothing OS बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड वाले पाथ को फॉलो कर रहा था, बस ऊपर से उन्होंने अपनी थीम डाल दी और अपना जो आइकन पैक होता है वो यहाँ पे ऐड कर दिया और कुछ फीचर क्लिफ वगैरह के उन्होंने डाल दिए और बन गया आपका Nothing OS। Nothing OS बहुत ही ज्यादा प्लेन UI है, काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है, ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते,
कुछ फीचर्स को ही लोग लेकर आए जो बहुत ही ज्यादा यूनिक लगते हैं ग्लिफ के साथ यहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ ही नथिंग ओएस के बारे में बात है कि सुनना था कि ये लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट लेगा और ऑब्वियसली इसके फोन के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस किए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ क्या, एंड्रॉइड वर्जन के जो अपडेट है वो बहुत लेट आते हैं नथिंग के अंदर, वहां पे नथिंग कंपनी को यहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए। इसके साथ ही अगली बात यहाँ पे करने वालों रियलमी यूआई, ऑक्सीजन ओएस या कलर ओएस की, क्योंकि अगर मैं तीनों यूआई को अगर साथ में देखो तो एक बात बता सकता हूँ यार, ये तीनों यूआई बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, बिल्कुल ही यहाँ पे सिमिलर है। बेसिकली बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे सबका कोड बेस इन्होंने सेम कर दिया, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 3 अलग अलग यूआई के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ये एक साथ एक जैसा सॉफ्टवेयर अब बना ले और सभी के अंदर पुश कर दे, डेट जल्दी देंगे, बग्स कम आएंगे, चीजें स्मूथ होंगी, यही चीज यहाँ पर करी गई। और रियलमी यूआई कलर ओएस और जो वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस यहाँ पर है कि यूआई के एलिमेंट थोड़े अलग है और कुछ छोटे मोटे फीचर्स चीज अलग कर दी जाती है, लेकिन ऊपर से चीजें बिल्कुल आइडेंटिकल है। इवन जो बिगेस्ट डिफरेंस इन यूआई के अंदर नोटिस किया गया वो किया गया ब्लोटवेयर का, जहां रियलमी के यूआई में आपको बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, इवन काफी केसेस में कलर ओएस के अंदर भी ऑब्जर्व किए गए हैं, ऑक्सीजन ओएस के अंदर ब्लोटवेयर काफी ज्यादा कम होते हैं, और ऑक्सीजन ओएस अभी भी क्लीन और फास्ट जो एंड्रॉइड स्किन होता है उसको लेकर यहाँ पे बैठा हुआ है, जो फास्ट रहेगी, रिस्पॉन्सिव रहेगी और आपको ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। वन प्लस ने अपनी अलग जगह यहाँ पे बना रखी है। हालांकि ये जो तीनों यूआई बिल्कुल एक जैसे यहाँ पे काम करते हैं, और सिमिलर कहानी होती है आपके फन टच ओएस की। अब फन टच ओएस को लेके काफी सारे लोगों के दिमाग में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि पास्ट में फन टच ओएस की इमेज इतनी अच्छी नहीं थी, वो यूआई के अंदर एलिमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी आईओएस से। लेकिन अब फन टच ओएस पिछले कुछ सालों में बहुत इवॉल्व हुआ है, और हर वर्जन के साथ एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इसके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। रिसेंट की बात करें तो वीवो और आईको के जो फ्लैगशिप फोन होते हैं वहां से उन्होंने हॉट एप्स हॉट गेम्स को गायब कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, लॉक स्क्रीन पोस्टर जैसी एप्लीकेशंस देखने को मिलती है, यूआई अभी भी देखा तो थोड़ा सा ब्लोटेड लगता है, लेकिन चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट है। बाकी फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बात कर ले, यहाँ तक कि अपडेट भी लोग जल्दी प्रोवाइड करते हैं। और आईको जैसी कंपनी फन टच ओएस का रास्ता सिर्फ इसलिए पकड़ा है ताकि अगर एक जैसा ओएस इनके सभी फोन्स के अंदर चलेगा जल्दी से जल्दी अपडेट प्रोवाइड करवा पाएंगे। अभी भी वीवो और आईको लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाते, लेकिन जो जल्दी अपडेट्स है तो वो प्रोवाइड करते हैं। ये एक चीज है जो वीवो आईको के फोन्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट बनाती है, और मार्केट में इनके यूआई काफी ज्यादा इवॉल्व हुए। हालांकि अभी भी जो बजट फोन्स आते हैं इनके उनमें अभी भी आपको हॉट एप्स हॉट गेम्स और ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बात करें तो एक और यूआई आता है इस लिस्ट में, वो होता है मोटोरोला का मोटो का यूआई। अब देखो यार, मोटोरोला की कहानी सिंपल सी थी कि शुरुआत में बोला था कि हम आपको स्टॉक एंड्रॉइड देंगे, प्योर एंड्रॉइड देंगे, ब्लोटवेयर नहीं डालेंगे। चीज बहुत अच्छी थी और लोगों को ये चीज बहुत पसंद आई। और मोटोरोला के फोन के अंदर खास बात पहले ये हुआ करती थी कि पिक्सल जैसा यूआई देखने को मिलता था, प्लस यहाँ पे कुछ एडिशनल मोटोरोला के फीचर्स थे जैसे मोटो एक्शन हो गया, उनके जेस्चर्स वगैरह हो गए, उनका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, ये सब चीजें थी। अब आगे चल के इनके डिवाइस के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या हुई। सबसे पहली चीज, मोटोरोला के डिवाइसेज जो बजट के अंदर आते हैं वो कम्प्लीटली एड फ्री नहीं रहे, उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको लॉक स्क्रीन के पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लैंस देखने को मिलता है, यहाँ तक कि आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, तो यूआई एलिमेंट्स उतना ज्यादा क्लीन नहीं रहे। और अगली चीज जो मोटोरोला के यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेन करी वो थी अपडेट्स की। अपडेट के लिए मोटोरोला का यूआई अभी भी उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। एक तो अपडेट बहुत ज्यादा लेट आते हैं, और लंबा जो सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस होता है ना, ये मोटोरोला अभी भी नहीं करता। हालांकि जो उन्होंने अपने महंगे डिवाइसेस लास्ट ईयर निकाले थे एज सीरीज, वो इनकी काफी अच्छी थी और उसका यूजर एक्सपीरियंस, उसके यूआई को काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पसंद किया। और ऐसे ही मोटोरोला जैसा यूआई आपको देखने को मिलता है लावा की तरफ से। अब लावा ने अपने यूआई का कोई नाम तो यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन एक बात इधर है कि लावा कंसिस्टेंटली इस पे काम कर रही है, उसने अपने डिवाइसेस को अभी भी प्योर और क्लीन रखा हुआ है, वहां पे कोई भी ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता, कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही काफी सारे फीचर्स को ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग को, या फिर बैकग्राउंड के अंदर यूट्यूब को चला सकते हैं, ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर उसी यूआई के अंदर प्रोवाइड करें बिना उसे ज्यादा हैवी और ब्लोटेड बनाए हुए। ये लावा की यूआई की खास बात है। हालांकि लावा देखा जाए तो अभी भी एक जगह जो काम कर सकता है वो कर सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। काफी सारे यूजर्स अभी भी कोशिश करते हैं कि इनके फोन के अंदर जो एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट है वो जल्दी आए, बस इस चीज पे लावा फोकस करे, स्टेबल अपडेट प्रोवाइड करे तो एक अच्छा काम रहेगा। इसके साथ ही अगला जो यूआई हमारे पास वो है ऑनर का मैजिक ओएस। अब ऑनर कंपनी जो थी पहले हुआवे का पार्ट थी और उसके अंदर ईएमयू आता था, अब जब ये अलग हुए तो मैजिक ओएस आ गया,
लेकिन जो मैजिक ओएस है उसके अंदर भी आपको पुराने EMUI की झलक देखने को मिलती है। अब बात यह कि काफी ज्यादा फीचर्स के साथ आता है। जो इंडिया में ऑनर डिवाइसेस आते हैं वो ग्लोबल यूनिट्स होती है, इसीलिए उसके अंदर आपको ब्लोटवेयर बहुत ही कम या एक दो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑनर का खुद का ऐप स्टोर देखने को मिलता है। वही UI के अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जो उसे काफी ज्यादा एडवांस भी बनाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी इसके UI के अंदर है। लेकिन एक जो कमी ऑनर के साथ अभी मेरे को लग रही है वो लग रही है एंड्रॉइड अपडेट की, क्योंकि इसके जो एंड्रॉइड अपडेट होते हैं ना जी ग्लोबली यहाँ से काउंट किए जाते हैं ताकि ग्लोबल में जब रोल आउट होगा तभी यहाँ पे एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे, ये एक चीज है। और इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। हालांकि ऑनर के फोन की खास बात रहती है कि कैमरा के अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वहां पर उन्होंने ठीक काम किया, लेकिन फिर देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो मैजिक OS आया अभी तक इंडिया में जो फोन्स लॉन्च हुए उनमें एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। देखने वाली बात है कि एंड्रॉइड 14 के साथ जो मैजिक OS आता है वो यहाँ पे क्या जादू दिखा पाता है। खैर ये एक चीज थी जिसके अंदर मैंने सभी UI को कंपेयर किया, एक तरह से देखा सभी UI के प्रोज और कॉन्स यहाँ पर क्या है। बाकी सभी के सभी कहीं ना कहीं काफी अच्छे हैं, कोई ना कोई काफी यहाँ पे खराब है। यहाँ तक कि अगर मैं XOS के बारे में बात करूँ जो इन्फिनिक्स के अंदर आता है, ये एग्जैक्ट सेम UI आपको देखने को मिलता है आईटेल और टेक्नो के फोन के अंदर ही। UI का नाम बदल रहे लेकिन चीज बिल्कुल सेम है, बस प्रॉब्लम यही है कि UI के अंदर ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है। अपडेट तो ये लोग बहुत ही रेयरली देते हैं और बहुत ही कम अपडेट सपोर्ट करते हैं। एक बात देखिए इनके डिवाइसेस के अंदर जो फर्स्ट पार्टी ऐप्स आती है वो भर भर के यहाँ पर दी जाती है। ये लोग अपने UI को इस तरीके से बना रखा है कि इनकी जो ऑडियंस होती है उन्हें इनका UI पसंद आता है, इसलिए मार्केट में वो भी यहाँ पे बिकते हैं। मार्केट में तरह तरह के UI है, तरह तरह के स्किन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है, इसलिए मार्केट में सभी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और सभी यहाँ पे बिकते हैं। अगर किसी भी UI में यहाँ पे प्रॉब्लम होती तो कब का यहाँ पे जा चुका होता। तो यार ये कहानी है, बाकी आप लोग नीचे कमेंट बताइए कि आप लोग क्या पसंद है, HyperOS, OneUI, XOS या Motorola का UI, जो भी आपकी पसंद है नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू आपको देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।